दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी अलग है। अक्सर मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट की, लेकिन आज मैं करूँगा बात चमकी बुखार के बारे में और क्या लीची खाना खतरनाक है या अच्छा। दोस्तों, अक्सर हर साल लीची के मौसम में लीची खाने की वजह से बच्चों की मौत हो रही है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि यह बीमारी मुजफ्फरपुर या ऐसी जगह पर फैली है जहाँ पर लीची की पैदावार बहुत होती है। दोस्तों, जब कच्ची लीची को खाली पेट जब एक कुपोषित बच्चा खा लेता है तो तब उस पर इस बीमारी का खतरा मंडराने लगता है। यूएसए और इंडिया के डॉक्टर्स ने स्टडी करके यह पाया है कि विटामिन सी से भरपूर यह काफी स्वादिष्ट फल होता है, लेकिन इसे खाली पेट खाना जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि लीची के अंदर मौजूद MCPG यह बहुत तेजी से ब्लड शुगर को कम करता है, खासकर उन बच्चों में जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, जिसके कारण उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है और दिमाग काम करना बंद कर देता है और उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, जहां लीची उगाई जाती है वहां के गरीब तबके के बच्चे बाग में जाकर खाली पेट कच्ची लीची को खा लेते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में फ्रेश और पकी हुई लीची का एक्सपोर्ट होता है, जिसके वजह से यह बीमारी अलग अलग जगहों पर नहीं फैली है। तो दोस्तों, अगर आप लीची खरीद रहे हैं या खरीदने का सोच रहे हैं तो इस लीची को बेफिक्र खाएं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। इसे खाली पेट ना खाएं और खाने के बाद खाना का सेवन जरूर करें। दोस्तों, हमारे फल खतरनाक नहीं हैं, खाने का तरीका अगर गलत हो गया तो ये फल काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। जैसे आप कच्ची काजू खा ले तो आपकी मौत होने की संभावना हो सकती है, या आप सेब के बीज ज़्यादा मात्रा में ले ले तो आपकी मौत हो सकती है। तो दोस्तों, लीची बिल्कुल सेफ फल है, बस आप अपने बच्चों को कच्चे लीची का सेवन करने से मना करें। अगर आपके बच्चे लीची का सेवन करते हैं तो उन्हें शाम का खाना जरूर खिलाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने इस वीडियो के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है कि क्या सही है और क्या गलत। आप भी हमारा साथ दे सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी सही इन्फॉर्मेशन पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रॉम पटना न्यूज़।